हाय गाइस, मेरा नाम है प्रकाश। आप देख रहे हैं प्रो ब्लॉगिंग आइडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा आप होस्टिंग कहाँ से आप बाई कर सकते हैं और कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर जो है आपको काफ़ी कम प्राइस में सबसे अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि होस्टिंग बाय करने से पहले हमें किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और होस्टिंग बाय करने के बाद आपको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री होता है। चैनल सब्सक्राइब करते बाद आपको एक बेल का आइकन शो होगा, उसे ऑन रख दीजिएगा। जैसे कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन सा होस्टिंग कंपनी का होस्टिंग हमें बाय करना चाहिए। सो गाइस, आज ये वीडियो में जो होस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो होस्टिंग कंपनी का नाम है होस्टिंगर। आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये होस्टिंगर का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी अब इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आज बात करने वाले होस्टिंगर ही क्यों हमने सेलेक्ट किया है, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, होस्टिंगर जो है एक मल्टीनेशनल वेब होस्टिंग कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज में ये होस्टिंग कंपनी रन कर रही है, तो यहाँ पे आपको सर्विस क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। दूसरा चीज़, यहाँ पे आपको अप टू 70% का डिस्काउंट चल रहा है और फ्री डोमेन प्लस फ्री SSL सर्टिफिकेट भी आपको मिलने जा रहा है सेलेक्टेड वेब होस्टिंग में। सभी होस्टिंग पे नहीं, सेलेक्टेड होस्टिंग पे मिलने जा रहा है, और कौन सा होस्टिंग में मिलेगा वो आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर आप बना सकते हैं, यहाँ से वेबसाइट बिल्डर इनके पास अवेलेबल है। होस्टिंग जो हमें चाहिए यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप का होस्टिंग से जो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। ईमेल होस्टिंग है, डोमेन रजिस्टर और डोमेन ट्रांसफर कर सकते हैं। सो गाइस, आज जो मैं आप सबको जो बताऊंगा वो है शेयर होस्टिंग। होस्टिंगर का शेयर होस्टिंग के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको दूसरा कोई भी होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप शेयर होस्टिंग ले लीजिए, ये मोर देन इनाफ है। तो शेयर होस्टिंग में अभी यहाँ पे अप टू 70% का डिस्काउंट चल रहा है और साथ में आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट और 30 डेज का मनी बैक गारंटी भी आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको फ्री डोमेन भी मिलता है, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको डोमेन जो है आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे तीन प्लान अवेलेबल है, एक तो आपका सिंगल होस्टिंग एक वेबसाइट आप यहां से होस्ट कर सकते हैं 59 रुपीज पर मंथ का प्लान में। दूसरा आपको 119 रुपीज पर मंथ का प्लान है और यहां पे आप अप टू 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। और तीसरा आपको जो है 259 में, यहां पे भी आपको 100 वेबसाइट के लिए है, थोड़ा सा इसमें जो है आपको ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा आपको हैंडल कर सकते हैं ये वाला, लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको जो है रिकमेंड करूंगा ये वाला प्लान ले लीजिए। 59 वाला में आप सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, तो अगर आप मान लीजिए आगे जाके और भी वेबसाइट बनाना रहेगा तो आपको फिर से होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। सो उससे बेटर जो है आप ये जो प्रीमियम वेब होस्टिंग है ये वाला बाय कर लीजिए, ये बेटर रहेगा। सो होस्टिंग बाय करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है, जिसका जो वर्थ वैल्यू है 855 रुपीज़ का होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। अगर आप इनका ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको जो है डोमेन, कोई भी आप डोमेन .com.in जो भी आपको पसंद आता है, जो भी अवेलेबल है डोमेन है, आप यहां से बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको फ्री में मिल जाएगा, जिसका वर्थ जो वैल्यू होता है अप टू 602 रुपीज़ का है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री में। चाहे आप .com ले लीजिए चाहे .in ले लीजिए, आपको यहाँ से फ्री में मिलेगा, लेकिन आपको जो है मिनिमम 1 ईयर का प्लान लेना पड़ेगा। दूसरा चीज़, आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रहा है और बाकी जो सारे चीज़ जो एक होस्टिंग कंपनी जो हमें देती है वो सारे ऑलमोस्ट चीज़ यहाँ पे आपको मिल रहा है। बट जो फ्री SSL सर्टिफिकेट और फ्री डोमेन जो है सारे वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं देता है, तो यहाँ पे आपको जो है ये चीज़ मिल रहा है और जो हमें रिक्वायरमेंट है। फ्री ईमेल अकाउंट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड ईमेल बना सकते हो आप। दूसरा चीज़, आपको 30 डेज का मनी बैक गारंटी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे वो भी चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे एक कंडीशन होता है 30 डेज मनी बैक गारंटी में, जो कि मैं आपको ये वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मान लीजिए एक होस्टिंग बाय करते हैं इनका 1 साल का प्लान, और 30 दिन से पहले अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पसंद नहीं है और रिटर्न कर दो करके, वो आपको रिटर्न कर देंगे होस्टिंग का पैसा। लेकिन अगर आपने डोमेन अगर आप लेते हो फ्री डोमेन, तो डोमेन का पैसा कभी रिटर्न नहीं होता है, तो डोमेन का जो भी चार्जेस है वो लोग डिडक्ट करके आपका सिर्फ होस्टिंग का पैसा ही आपको रिटर्न करेंगे।
डोमेन का पैसा जो जो भी वो लोग क्लेम करते हैं, जो भी एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट वो लोग ने सेट किया है उतना वो लोग डिडक्ट कर लेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको जो है रिटर्न कर देंगे आपके अकाउंट में। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ये वाला प्लान लेना चाहते हैं तो इसको जो है ऐड टू कार्ट में क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 119 रुपीज पर मंथ वाला, इसका भी कुछ कंडीशन है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप 48 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको पर मंथ जो चार्जेस पड़ेगा 119 रुपीज। वही चीज़ अगर आप 24 मंथ के लिए लेते हैं तो 169 रुपीज़ का पड़ रहा है, और 1 साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए लेते हैं तो 229 रुपीज़ का पड़ रहा है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा मिनिमम 12 मंथ का ले लीजिएगा। जैसे आप 12 मंथ के ऊपर आप क्लिक करते हैं ना तो आपका जो फ्री डोमेन है वो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। और दूसरा चीज़ यहाँ आपको आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट भी आपको मिल रहा है, और इसका जो कॉस्ट है ना इंक्लूडिंग डोमेन 3,243 रुपीज़ में आपको जो पड़ रहा है। इसका एक्चुअल कॉस्ट जो था 6,659 रुपीज़, अभी आपको ये डिस्काउंट के बाद 3,243 रुपीज़ में पड़ रहा है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा एफिलिएट लिंक दे दूंगा गाइस, आप वहां से ये होस्टिंग को जो है बाई कर सकते हैं। मेरे एफिलिएट लिंक से बाई करने पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, जो भी यहाँ पे चार्जेस है वही चार्जेस आपको पे करना होगा। यहाँ पे आपको डोमेन जो भी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप डोमेन अपना नाम एंटर करिए जो भी अवेलेबल डोमेन है, और यहाँ पे आपको जो एक्सटेंशन चाहिए .com.in वो सेलेक्ट करके आप आगे का पेमेंट प्रोसीजर कर सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पूछेगा, तो चेकआउट में आप क्लिक करिए, उसका पेमेंट मेथड सेलेक्ट करिए जो भी आपको पेमेंट मेथड से आपको पे करना है, देन ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप एंटर करके अपना अकाउंट साइन अप करके आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर का होस्टिंग बाई करके रखा हुआ है, तो मैं अपना डैशबोर्ड लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सक पा रहे होंगे मैंने होस्टिंगर का जो मेरा अकाउंट का जो डैशबोर्ड है वो लॉग इन कर दिया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा नाम भी शो हो रहा है, और ये मेरा होस्टिंगर का अकाउंट का जो है डैशबोर्ड। तो यहाँ पे अभी आप जैसे आप बाई कर लोगे तो आपके पास भी ऐसा डैशबोर्ड रहेगा, उसके बाद आपको जो भी आपने सर्विसेज लिया है यहाँ पे शो होगा ये स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अभी हम होस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप भी जैसे होस्टिंग बाई कर लेंगे तो यहाँ पे होस्टिंग शो होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप होस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैनेज होस्टिंग का ऑप्शन शो होगा, और मैनेज होस्टिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो पेज है ये वो ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ आपको शो होगा। आपको ये एक्चुअली इनका होस्टिंगर का पैनल है, और यहाँ पे आपका सारी चीज़ आपको जो बैकएंड या डैशबोर्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ मैं नहीं दिखा सकता हूँ तो थोड़ा हाइड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर आप क्लिक करोगे गाइस तो आपके सामने ये ऑप्शन शो होगा। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कौन सा CMS आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वर्डप्रेस चाहिए या फिर वर्डप्रेस प्लस WooCommerce चाहिए, जूमला वगैरह और अदर्स के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाला वर्डप्रेस के बारे में, तो सिंपली वर्डप्रेस के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप वर्डप्रेस को सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करना है HTTPS, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन ये जो प्लेस है ये वाला ऑप्शन में आपका डोमेन नेम और ये वर्डप्रेस जो लिखा है इसको ब्लैंक ऐसे ही रहने दीजिए, इसको यहाँ पे कुछ भी एंटर मत करिए। देन ये जो टिक बॉक्स है ना इसको अनटिक ही रहने दीजिए, इसमें कुछ मत करिए। यहाँ पे आप यूजर नेम अपना और पासवर्ड अपना ईमेल आईडी अल्टरनेट ईमेल आईडी डालकर इसको बाकी कुछ भी मत करिए, सीधा इंस्टॉल पे के ऊपर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर दीजिएगा। कुछ टाइम लगेगा 1 से 2 मिनट, उसके बाद आपका वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस जब आपका वर्डप्रेस जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे ना अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में तो वर्डप्रेस जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो है आपको आपके केस में नहीं दिखेगा जो ये सारी चीज़ दिख रहा है, क्योंकि ये साइट ऑलरेडी रेडी है और ये मैंने बहुत सारी चीज़ कस्टमाइज किया हुआ है यहाँ पे। तो आपका जो फ्रेश वर्डप्रेस जो है कुछ इसी तरह का दिखेगा, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको जो दिख रहा है ये सारी चीज़ वहाँ पे मिसिंग रहेगा। गाइस वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाने के बाद वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए एक यूनिक URL और यूजर आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होता है। यूजर आईडी पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस सेटअप करते समय आपने एंटर किया है वही रहेगा, बट इसका यूनिक जो URL रहेगा लॉगिन URL वो आपका
जो डोमेन नेम है, और डोमेन नेम के बाद स्लैश wp हाइफन एडमिन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका डोमेन का नाम है abcd.com तो आपको स्लैश लगाना है wp हाइफन एडमिन, इस तरीके का आपका जो है यूआरएल रहेगा। ये यूआरएल आपको आपके यूआरएल में पेस्ट करना है, या तो आपको मैनुअली जाकर टाइप करना है, उसके बाद इंटर करिए, आपका जो है लॉग इन एक्सेस का एडमिन पैनल खुलकर आ जाएगा और अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करके अब लॉग इन हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करिए। और होस्टिंगर के बारे में मैंने एक डिटेल्स इंफॉर्मेशन, एक आर्टिकल भी लिखा है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस आर्टिकल को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे और एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रख लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।